गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के लगभग 10:30 अभी बज रहे हैं। एंड दोस्तों, आज ना काफ़ी लेट उठने वाला हो क्योंकि बाहर बारिश हो रही है बहुत भाई ज़बरदस्त वाली। और ऐसे में ना पता नहीं रात को कहाँ से अज्जू भाई भी टपक पड़े थे, मतलब आ गए थे, टपक नहीं पड़े थे। तो सच में सही लगता है जब इंसान कोई मेरे पास होता है रात को बैठने के लिए। तो फिलहाल अभी ना दोस्तों बहुत गंदे वाला काम चल रहा है फेसबुक के ऊपर। मेरे को ना बहुत से वीडियोज़ वहाँ पे अपलोड करने हैं क्योंकि फेसबुक के ऊपर भी मैंने पेज बनाया है हिमाचल वाला करके। बहुत से लोगों ने फॉलो किया होगा, किसने नहीं किया तो जाकर कर सकते हैं। ये अभी चाय लेके अभी पहुँच चुकी। थैंक यू। अभी तक ठीक नहीं हुई तबीयत क्या? नहीं, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ यार। बारिश हो रही है, मेरे को लगता है फिर से खराब हो जाएगी। नहीं होती। और ऊपर से ना भाई देखो, ये जो बल्ब की लाइट पड़ती है ऐसे ना कैमरा में क्वालिटी बेकार सी हो जाती है। और करता भी ऊपर से शूट में फोन से हूँ। फिलहाल पहले तो चाय की गर्मा गर्म चुस्की का एंजॉय कर लेते हैं। वैसे फनी भी है, मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप एक कमरे में एक बेड के ऊपर कितनी देर तक लेट सकते हो, अकेले या फिर कोई दोस्त आपके साथ हो? आप बोलेंगे 2 घंटे 3 घंटे। दोस्तों बिल्कुल हम भी वैसा ही करते हैं। अभी लगभग ना टाइम दोस्तों 2 बजने को आ गए हैं और हम और अज्जू भाई यहाँ के यहाँ लेटे हुए हैं। हालांकि काफी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो इसी बात के ऊपर लाइक कर दे। वीडियो को मैं एडिट कर रहा था फेसबुक के ऊपर, सारी की सारी वीडियोस जो मैंने वो अपलोड कर डाली हैं। और अज्जू भाई भी अपना कंटेंट एडिट कर रहे थे। और दोस्तों सही बताऊं ना तो ऐसे लेटने की आदत कब से पड़ती है बताए? जब बर्फ गिरती है ना उस टाइम पे कहीं पे भी लाइट नहीं होती है, तो भाई 2-2 3-3 दिन ना बाहर बर्फ में जाके भी कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसे में बेड पे लेट लेट के आदत हो जाती है अकेले रहने की। फिलहाल अभी थोड़ा बाहर का माहौल देखते हैं उठ के कि बाहर एक्चुअली चल क्या रहा है। अरे भाई 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 भाई, मेरा यार रो रहा है बारिश बंद की जाए। यहाँ तो वो वाला सीन चल रहा है, आप देख सकते हैं। भले ही ना दोस्तों पहाड़ इतने सुंदर लग रहे हैं, मतलब अभी ऊपर देख सकते हैं आप हर तरफ जो वो धुंध पड़ी है, लेकिन कहीं ना अगर आप लंबे टाइम से पहाड़ों में रह रहे हो ना, तो ऐसे में आपको सैड फील भी हो सकता है क्योंकि मौसम ना कुछ इस तरह का लग रहा है जैसे कि अंधेरा होने वाला है और टाइम तो अभी लगभग दोपहर का है। अगर बात करूँ तो हमेशा इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी गर्मी रहती है, बट अभी तो सच बताऊँ तो मैंने ना भाई ये वाली कैपरी पहन ली थी और इसको पहन के अभी मैं काम पर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना कुछ चेंज करके कुछ गर्मा गर्म पहनना पड़ेगा। इधर पे तो ना भाई रोगी लोग जो है वो स्टिल अभी लेटे पड़े हैं। उठ जाओ थोड़ा सा, पानी का गिलास लेकर उन्हें। मम्मी भी ना यार कभी कभी तो पता नहीं क्या करती है, कभी बोलती है मैं ठीक हो गई, शाम को बोल रहे थे मेरी तबीयत में फर्क है। उसके बाद में अभी मैंने आके देखा तो ऐसे लेटे पड़े हैं और बोल रहे हैं मेरे को मेडिसिन खानी है। सेम हालत रिया की भी चल रही है। मेरे को तो ऐसे में डर लग रहा है ना कि आजकल हिमाचल में कोविड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो कहीं ये शादी को गए थे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोविड वगैरह हुआ। अगर कोविड होता तो मेरे को भी इस टाइम को हो जाना चाहिए था। आई होप कि दिल से यही दुआ करता हूँ कि ये लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप लोग भी कमेंट में जरूर से दुआ कीजिएगा और अपने दिल से प्रे कर लीजिएगा अगर कमेंट में नहीं कर बोल सकते तो। लो माता जी पानी। थैंक यू। वेलकम। अच्छा बहुत सही सीख रहे हो, थैंक यू वेलकम। खा लो पहले दवाई खा लो। अब बताओ हो क्या रहा है एक्चुअल में? सिर में दर्द लग रही है। आपने बीपी चेक किया अपना कितना है? चलो मैं करता हूँ एक मिनट। अभी ना दोस्तों इनका बीपी देखना और आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे कि इनका ब्लड प्रेशर जो है ना कितना ज्यादा हाई रहता है और कितनी ज्यादा टेंशन ये लेते रहते हैं और हमेशा का रहता है। पता नहीं ऐसा क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 192 183 यहाँ तक आ रहा है ना, 125-30 तक इस तरह से नॉर्मल होता है। बट इनका हमेशा से जब भी मैंने देखा है तो चढ़ा हुआ ही होता है। और ऐसा नहीं है, बीपी की मेडिसिन भी खाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं प्रॉपरली, बट फिर भी ठीक नहीं हो पाते। पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी देखो कितना आ रहा है, ये 199 है, 177 है ये देखो, और 124 जो नीचे वाला है, 81 हार्ट रेट सही चल रही है। तो अभी भी बीपी हाई चल रहा है, थोड़ी देर आराम से बैठो रेस्ट करो, ठीक है। वैसे तो यार आप लोगों से झूठ क्या बोलना, मुझे काम करने की जरूरत कभी पड़ती नहीं है क्योंकि 4 सिस्टर हैं ऐसे, मैं 5वीं मदर है, तो यही सारा का सारा घर का काम देख लेते हैं। बट ना ऐसी ऐसी नौबत जब भी आ जाए, मम्मी बीमार हो, रिया भी बीमार चल रही है, तो ऐसे में ना भाई फिर मैं खुद ही आ जाता हूँ। तो अभी सारा का सारा घर का जो काम है वो मैं करने जा रहा हूँ, मतलब रोटी से लेकर सब चीज़ें जो करूँगा, तो देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल मैं कोई ऐसी ऐसी चीज़ें बनाऊँगा जिनको कि जल्दी जल्दी बनाया जा सके और खाने में बेशक लेट खाया जा सके। मम्मी बोल रहे हैं रुक जाओ, कुछ ठंडा बचा पड़ा था तो मैं तो उसको खा के गुजारा कर लूँगा। इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया है और ये नमकीन चावल शायद से रिया ने बनाए थे, क्योंकि ऐसा है ना कि 3 तो लोगों का भी बजने को आ गए हैं। तो अभी खाना बनाऊंगा तो वो तो ना रात वाला खाना बनेगा ना दिन वाला खाना बनेगा, तो 5:30-5:30 बजे बनाता हूँ। फिलहाल मम्मी ने बोला कि अभी उनको भूख भी नहीं है और उन्होंने खा भी लिया है, तो चलो फटाफट मैं खा के थोड़ा अपना पेट भरता हूँ। शाम का टाइम दोस्तों लगभग अभी हो चुका है और मैंने और अज्जू भाई ने डिसाइड किया है ना कि हम पास की मार्केट में जाके आते हैं, क्योंकि दोस्तों घर में थोड़ी सब्जी वगैरह भी खत्म हो गई है। ऊपर से मम्मी के लिए ना कुछ ठंडा लेके आता हूँ ताकि जो बीपी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, मतलब अब गांव में जो दुकान है वहाँ पे तो भाई उतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो अवेलेबल रहती नहीं है। तो ऐसे मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में ना थोड़ा भाई आप भी फील लो।
वैसे तो ना ऐसे मौसम में ड्राइव करने का भी मजा आता है, लेकिन दोस्तों पहाड़ों में ना हमेशा थोड़ा सा संभल के चलना ही बेहतर माना जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे ऊपर से ना भाई कभी भी पत्थर आ सकता है, गाड़ी के ऊपर भी पड़ सकता है, रोड ब्लॉक भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मौसम ख़राब हो तो ऐसे टाइम पे आप कहीं भी निकले। वैसे मैक्सिमम लोग तो जानते हैं अच्छी तरह से कि ये हिली एरियाज़ है। पानी की ना भाई सिर्फ 4 बूंदें मेरे सर के लिए काफ़ी है, मतलब मेरा सर ना बिल्कुल सिंगल सिंगल हो जाता है। एंड एक फन फैक्ट बताऊँ, बहुत से लोग मुझे बोलते थे कि रे भाई तुम गंजे हो जाओगे, इवन मेरे क्लासमेट भी बोलते थे कुछ बचपन से, ये चीज़ अज्जू को भी पता है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आज की डेट में वो लोग गंजे हो गए, लेकिन मैं वैसा का वैसा ही हूँ। मतलब बहुत पतले और हल्के बाल है यार, अगर थोड़ा सा भी इनके ऊपर पानी पड़ता है ना तो ये पूरे मतलब एकदम से ऐसे अंदर का पूरा नजर आने लग जाता है। वैसे अच्छा तो बहुत लगता है ऐसे मौसम में गाड़ी चलाना या कहीं बाहर निकलना, क्योंकि थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है, कूल कूल रहता है, बट पहाड़ों में ना थोड़ा रिस्क भी रहता है। दोस्तों आप लोगों को सही बता दूं, इसके पीछे का एक ही रीज़न है, रिस्क किस चीज़ का होता है, पत्थरों का, कहीं रोड ब्लॉक हो सकता है या कहीं कीचड़ वगैरह आ जाए तो आपकी गाड़ी फंस सकती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा भी केयरफुल होकर चले, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो अभी निकलते हैं। और अभी यहाँ पे ना दोस्तों आप नदी का उफान देखिए कितना ज़्यादा हो गया है बारिश में, और यही नदी ना भाई पीछे वहाँ पे डैम है तो इसकी वजह से बड़ी हल्की हल्की चलती है, बट बारिश के टाइम पे ना तो भाई ये बीस्ट हो जाती है। मतलब आप देख ही लो, अभी तो इसकी कोई चपेट में आ जाए ना भाई तो पूछो ही मत क्या होने वाला है। तो फिलहाल ये जो दोस्तों छोटी सी मार्केट है, सामान हमने ले लिया है, गाड़ी हमने इस तरफ लगाई है क्योंकि यहाँ पे पीछे एक नाली है जो हमेशा ख़राब रहती है कीचड़ की वजह से, तो गाड़ी थोड़ा क्रॉस करके लगा ली मैंने, कहा बाद में ऐसा ना हो बारिश ज़्यादा हो जाए और फिर हमें दिक्कत हो जाए, हमारी गाड़ी फंस जाए, क्योंकि 4x4 तो है नहीं। तो चलो अभी थोड़ी देर अज्जू भाई का वेट कर रहा हूँ, वो कुछ सामान लाने गए हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं वापस घर को। यहाँ गाड़ी का शीशा खुला ना रखो तो भी प्रॉब्लम, और खुला रखो तो बारिश जो वो अंदर आती है और यहाँ पे गिरती है ना, तो मेरे को पूरा डर है कि ये वाली जो विंडो के सारे पावर बटन हैं ये काम करना बंद ना कर दें। ऐसे में भाई अगर शीशा खोल के नहीं रखेंगे तो भी खतरा है कि सामने से ना मोड़ तीखे होते हैं तो हॉर्न नहीं सुनाई देता है। तो अभी दोस्तों बाहर थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है, शाम हो चुकी है और घर में मैं पहुंच चुका हूँ। मम्मी अभी थोड़ी देर पता नहीं कहाँ गए, मम्मी जानवरों को घास डालने गए क्या? तो अभी ना दोस्तों चलो मैं करता हूँ कुकिंग स्टार्ट, क्योंकि आज रिया और मम्मी के मजे है, क्योंकि फुल सेवा जो है ना आज मेरी तरफ से होने वाली है लोगों की। और रिया देखो कैसे चौड़ में महारानी की तरह से है, खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। चलो आज का दिन खुश रह लो, जब तक ठीक नहीं हो तब तक खुश रखता हूँ। यहाँ देखिए सर भी पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी सी पूंछ हिलाएंगे। कभी कभी आपको ये देख के ऐसा नहीं लगता कि यार मैं एक ही बार की वीडियो जो है ना इसकी कॉपी कर करके डालता हूँ? पता नहीं क्या है, इसको हमेशा ऐसे लेटा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ओए आगे तो खोल दे, दिखा तो दे लोगों को, है जिंदा तू, ठीक ठाक है, ऐसे दिखा, ठीक है। ये ऐसा रिएक्ट क्यों करता है मैं आपको सच सच बता देता हूँ। देखो ये क्या करता है ना, जब भी घर पे आता है तो इसको अपनी गलती का अंदाजा होता है कि मैं घर से भाग गया था और डॉग के साथ में, तो मुझे डांट पड़ सकती है। तो ऐसे में ना ये 2 से 3 दिन मतलब बिल्कुल साइड में रहेगा, इसको हम बुलाएंगे क्योंकि ब्रोनी इधर आ तो ब्रोनी वहां पे भाग जाएगा, है ना। फिर जब 2 या 3 दिन के बाद ये फ्रेंडली होने लग जाएगा, जब खेलने लग जाएगा अच्छे से, पता नहीं 5वें 6वें दिन के बाद इसको फिर से दौरा पड़ जाता है, फिर से भाग जाता है। तो मतलब इसकी ज़िंदगी जो है ना वो बाकी के कुत्तों के साथ भाग दौड़ में और घर में आके थोड़ा डरने की, थोड़ा नाराज होने की, इसी चीज़ में जाने वाली है भाई। तो मतलब क्या बोलूँ, अब जैसा भी है चलो चलने दो, करने दो इन्जॉय इसे भी। खाने में ना दोस्तों दाल जो ऑलरेडी बनी पड़ी है इसे गर्म करना है, एंड चावल मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कुछ ज़्यादा मेहनत करने की बात है ही नहीं। ऊपर से ना ये लोग सारे ऐसे ही बोल रहे हैं कि बस हमें नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। तो मैंने कहा चलो उसी हिसाब से करते हैं फिर। तो मम्मी और रिया ने ना भाई इतना इतना खाना खाया, खा लिया। और पिछले कुछ दिनों से सच बताओ ना दोस्तों तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी डाइट पर चल रहा हूँ, और घर वाले बार बार ये सवाल करते रहते हैं कि भाई तेरा मुंह क्यों सूख रहा है, तो काला क्यों पड़ता जा रहा है डे पर डे। तो इसके पीछे का रीज़न है कि आजकल डाइट पे चल रहा हूँ, खाना थोड़ा कम खाता हूँ, और शायद हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ धीरे धीरे करके और वीक हो जाऊँ। और इससे एक बेनिफिट तो हो रहा है, मेरा ना पेट हल्के हल्के बाहर को निकलने लग गया था, बट अब वो जो पेट है ना भाई वो पूरा का पूरा अंदर की तरफ धस जाएगा और आपका भाई पहले की तरह पूरा ऐसे ना मतलब फिट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ का बेनिफिट तो होता ही है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का सारा ये दिन था। अभी मेरे को और काम करना है, और वीडियोज एडिट करने हैं, और इस वीडियो को भी एडिट कर देता हूँ ताकि सुबह टाइम तक जो आपके पास पहुंचा सकूँ। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों एक कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान का आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।